यूं मुश्किलों से डर न तू, प्रयत्न कर प्रयत्न कर। तू कदमों को न रुकने दे, स्वयं को तू न थकने दे। प्रयत्न करके हारा जो तो शिकस्त भी एक शस्त्र है। एक पग भी ना बढ़ाया जो तो यह जिंदगी शिकस्त है। अड़चनों की धूप में तू कोशिशों की छांव बन। यूं मुश्किलों से तू न डर, प्रयत्न कर प्रयत्न कर। संघर्ष, साहस, करुणा, मानवता और कर्मठता के प्रतीक श्री गोपाल शेट्टी, उत्तर मुंबई का एक जाना पहचाना नाम। श्री गोपाल शेट्टी, जिन्हें फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट ने राष्ट्र में श्रेष्ठ, महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया है। गोपाल शेट्टी जी के लिए यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, यह उनके लंबे राजनीतिक जीवन का एक प्रतीक चिन्ह है। वो जीवन जो उन्होंने कई दशकों पहले समर्पित कर दिया था जनता की सेवा के लिए। सिर्फ 14 वर्ष की किशोर आयु में कांदिवली के बोरसापाड़ा यानी लोकमान्य तिलक नगर के गरीब और अभावों से भरी जनता की दशा सुधारने के लिए उन्होंने युवक मंडल की स्थापना की और ये जाहिर कर दिया कि सेवा और समर्पण के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं होती। कार्य कुशलता, प्रतिभा, ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति समर्पण जैसे गुणों के कारण वे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राम नाईक की नजरों में आ गए। उनकी पारखी नजरों ने गोपाल शेट्टी में अपार संभावनाएं देखी और उन्होंने गोपाल शेट्टी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शामिल कर लिया। सफर यूं ही चलता रहा, फिर वो दिन भी आया जब 1992 में वे वार्ड 149 के नगर सेवक के रूप में चुने गए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नगर सेवक के रूप में 3 कार्यकाल और विधायक के रूप में 2 कार्यकालों के दौरान उन्होंने हर लिहाज से बोरीवली क्षेत्र के कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम कैसे भूल सकते हैं भांडुप से चारकोप के बीच बनी भूमिगत पानी की पाइपलाइन को, जिसे श्री गोपाल शेट्टी ने मुंबई के प्रथम डेप्यूटी मेयर रहते हुए अपने अभूतपूर्व प्रयासों द्वारा ही बनाया था और जिसके बाद से पूरे उत्तर मुंबई क्षेत्र में पानी की समस्या ही खत्म हो गई। गोपाल शेट्टी जी ने अपने अथक प्रयत्नों से बोरीवली के नागरिकों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी हैं, जैसे जिमखाने, क्रीड़ा स्थल, स्वास्थ्य केंद्र, उद्यान और भी बहुत कुछ, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में श्री गोपाल शेट्टी जी के कार्य का दायरा और भी बढ़ा दिया। आज गोपाल शेट्टी जी महाराष्ट्र के सबसे कर्मठ एवं सफल सांसद हैं। इस समस्या से निपटने के लिए नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट्स को टाइट करते हुए एनसीएलटी द्वारा दिए गलत ढंग से दिए हुए पैसे वापस पैसे बैंक के तिजोरी में आ जाए, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने प्रयास किया और आपने देखा कि बहुत ही कम समय में 3,00,000 करोड़ रुपए वापस आ गए। 2014 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ा और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने सर्वाधिक मतों के साथ चुनावी जीत दर्ज की। खासदार के रूप में प्रगति पथ पर चलते हुए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को यथार्थ करते हुए सामान्य, पिछड़ों और गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जमीनी स्तर पर साकार करके गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई के हरेक जनमानस तक इसे पहुंचाया है। जन सेवा एवं राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित अपने इरादों के पक्के श्री गोपाल शेट्टी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका काम स्वयं बोलता है और इसकी सूची बहुत ही लंबी है। आइए श्री गोपाल शेट्टी जी के योगदान पर एक नजर डालें। रेलवे, मुंबई वासियों के लिए रेलवे दिनचर्या का एक जरूरी भाग है। अपने क्षेत्र में रेलवे के उत्थान के लिए गोपाल शेट्टी जी ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जो हैं प्लेटफॉर्म्स की हाइट बढ़ाना, डीलक्स टॉयलेट का निर्माण, सभी इंडिकेटरों का आधुनिकीकरण, सभी प्लास्टिक कवर शीट्स और सीमेंट की जगह गैल्वेनाइज्ड शीट्स लगवाना, सारे वाटर पाइप्स एवं गटरों की दुरुस्ती के साथ साथ
नई वाटर वेंडिंग मशीन्स लगवाना। बीते 4.5 वर्षों में गोपाल शेट्टी जी ने बोरीवली स्टेशन का संपूर्ण कायापलट कर दिया। आज बोरीवली रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है बोरीवली के नगरजनों के लिए, और इसके लिए मैं देश के दूरदृष्टा प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सुरेश प्रभु जैसे एक अच्छे रेल मिनिस्टर को देश के लिए देकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 5 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्ट्स, ओवरहेड डेक्स, सोलर सिस्टम, न्यू टिकट विंडो बिल्डिंग, जंबो फैंस और स्काईवॉक्स लगवाकर बोरीवली स्टेशन को एक नवीनतम रूप दे दिया। साथ ही साथ बोरीवली स्टेशन पर पहली बार दृष्टिहीनों के लिए फुटओवर ब्रिज और सबवेज में ब्रेल लिपि इंडिकेटर लगाए गए हैं। बोरीवली स्टेशन बदल रहा है, बदल गया है, आणि असंच जर गोपाळ शेट्टी साहेबांचं जे कार्य राहिलं तर मला काही शंका नाही की आपला बोरीवली स्टेशन हा देशातला सगळ्यात आधुनिक चांगला रेल्वे स्टेशन बनेल, याबद्दल मला काही शंका नाही आहे। गोपाळ शेट्टी साहेब, तुमचा खूप खूप आभार मी मानतोय। ये जो काम किया हुआ है बीजेपी ने गोपाळ शेट्टी के अंडर में हुआ है, इसके लिए हम लोग सब बहुत खुश है। गोपाळ शेट्टी को हम धन्यवाद देते हैं। अने काम इतलू बधु गोपाळ शेट्टी ए आ स्टेशन ऊपर इतलू बधु सरस ध्यान आपेलू छे के आज सुधी में कोई आउ ध्यान आप्युं नथी, अने लोको एटला बधा खुश छे के आ क्यारे भी कोई भूली शकशे नहीं। दिस इज अ ग्रेट मूव, ग्रेट एफर्ट्स डन बाय आर एमपी श्री गोपाळ शेट्टी एंड हिज टीम। इसके अलावा उन्होंने मालाड और कांदिवली में एस्केलेटर्स और फुटओवर ब्रिज का निर्माण भी करवाया है, और दहिसर में एस्केलेटर का काम निर्माणाधीन है। उज्ज्वला योजना, उत्तर मुंबई क्षेत्र को चूल्हे और स्टोव से मुक्त बनाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्होंने गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस चूल्हों का वितरण किया। आज इन घरों की महिलाएं गोपाल शेट्टी जी की दिल से आभारी हैं, जिनके कारण उनके घर में गैस की सुविधा आ गई। 40 वर्ष हो गया हमना अपना पास गैस नहीं आता, अभी गोपाल शेट्टी दिया, अभी इसके ऊपर हम लोग को अभी टेंशन नहीं है। जेव आमची घर जळाली होते, झोपडपट्टी सगळी जळाली होती, तेव्हा आमच्याकडे कुठलंच साधन नव्हतं आणि आम्ही चुलीवर स्वयंपाक करत होतो, कारण रॉकेल पण आम्हाला भेटत नव्हतं। नंतर मग गोपाळ शेट्टी साहेबांनी आम्हाला गॅस सिलेंडर वगैरे दिले, त्यानंतर आमचं सगळं सुरळीत झालं व आमच्या प्रत्येक घरामध्ये आता HP चे गॅस त्यांनी दिलेलेच आम्ही वापरतो। गोपाळ शेट्टी जी ने जिस सकारात्मक तरीके से इस उज्ज्वला योजना को उत्तर मुंबई में लागू किया, उससे प्रभावित होकर देश के पेट्रोलियम मंत्री व प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को इन बदलावों के साथ पूरे देश भर में लागू कर दिया। मित्रों, मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं गोपाल जी को, उन्होंने आज उज्ज्वला प्लस कर दिया। इसके अलावा गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई की अनेकों बिल्डिंगों में और कई घरों में महानगर गैस की पाइपलाइनें लगवाई, और कई घरों में अभी और पाइपलाइन लगाने का कार्य जारी है। कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है युवाओं को विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाना, ताकि वे इसके द्वारा अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई में 16 से भी ज्यादा प्रशिक्षण केंद्रों की शुरुआत की, जिसमें 600 से ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण पाया है। स्टार्टअप इंडिया, इसी तरह से उन्होंने स्टार्टअप इंडिया अभियान में उत्तर मुंबई के अनेक युवाओं को स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित किया, और आज ये युवा स्वयं रोजगार पैदा करके स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। महिला सशक्तिकरण, गोपाल शेट्टी जी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए कई प्रशिक्षण केंद्रों की एवं कई उद्योग केंद्रों की स्थापना की है, जैसे इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति की सजावट, त्योहार की वस्तुओं का उत्पादन व बिक्री, केटरिंग व्यवसाय का प्रशिक्षण, मेहंदी कला, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय, स्वस्थ भाजी बिक्री केंद्र, जूट बैग, कपड़ा सिलाई प्रशिक्षण और महिला बचत गट प्रशिक्षण जैसी कई योजनाओं के द्वारा उत्तर मुंबई की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गोपाल शेट्टी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सराहनीय योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए मनोर से लेकर मलाड तक के आदिवासी क्षेत्र की गरीब कन्याओं को साइकिलें वितरित की, अनेक स्कूलों में गरीब बच्चों को निःशुल्क नोटबुक वितरित की। साथ ही उन्होंने गरीब स्कूली बच्चों को हर संभव आर्थिक मदद दी,
जिससे वे अपने स्वर्णिम भविष्य की इबारत लिख सकें। आदर्श ग्राम योजना। गोपाल शेट्टी जी ने आदर्श ग्राम योजना के तहत महाराष्ट्र में पालघर के आदिवासी क्षेत्र के एक अत्यंत पिछड़े गांव गोरेहे गांव को दत्तक लिया और अल्प समय में ही उसकी कायापलट करके उसे विकास की मुख्य धारा में ला दिया। उन्होंने इस गांव के विकास के लिए सभी मूलभूत भौतिक व संस्थागत सुविधाएं देने का पूर्ण प्रयत्न किया। स्वच्छ भारत अभियान। गोपाल शेट्टी जी ने देश के विकास के लिए बनाई गई हर योजना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत उन्होंने सक्रिय सहयोग देते हुए उत्तर मुंबई में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। स्टेशनों की नियमित रूप से साफ सफाई और उत्तर मुंबई तालाबों की सफाई एवं उनका सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों के साथ उन्होंने भारत विकास परिषद और रोटरी क्लब की मदद से 300 से भी ज्यादा शौचालय बनवाए। गोपाल शेट्टी जी ने अपने कार्यकाल में पूरे उत्तर मुंबई में खेलों को काफी बढ़ावा दिया है। उन्होंने अपने क्षेत्र में खेल के कई मैदानों को बनवाया और ये सुनिश्चित किया कि इन मैदानों का रखरखाव अच्छी तरह से हो सके और साथ ही खेल से संबंधित सारी सुविधाएं खिलाड़ियों को मिल सके। खेल के साथ साथ सांस्कृतिक क्रियाकलापों में सर्वश्रेष्ठ छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए समय समय पर इनका अभिनंदन भी किया जाता है। गोपाल शेट्टी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अपने कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योग का आयोजन करवाया एवं योग के प्रति जन जागृति भी फैलाई। समाज सेवा में अग्रणी गोपाल शेट्टी जी ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के पूर्णकृति पुतले का स्थापन कांदीवली के शताब्दी रुग्णालय में किया। इसके साथ साथ उन्होंने मरीजों के रिश्तेदारों के बैठने के लिए डोम का निर्माण व मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी करवाई है। पहले हम लोग यहाँ आते थे तो कुछ भी नहीं था, न छांव नहीं था, यहाँ धूप में लोग रहते थे, किसी का रिलेटिव मिलने आते थे तो धूप में ही रहते थे, ना पानी का सुविधा था ना किसी प्रकार का सुविधा था। अभी गोपाल शेट्टी जी द्वारा यहाँ सारी चीज़ को बनवाया गया है, जो विश्राम स्थल है, पानी का अच्छा सुविधा हो गया है, सारी व्यवस्था अच्छी है। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए गोपाल शेट्टी जी ने अनेकों योजनाओं को प्रोत्साहित किया। गोपाल भाई शेट्टी हमारे एरिया के सांसद हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें लगता है कि पूरे इंडिया में जितने सांसद हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम वो संसद में गए हैं, लेकिन यहाँ तो पहले काउंसिलर रहे, फिर MLA हुए, सांसद हुए। हमारे समाज का कोई भी छोटा मोटा काम रहेगा, हमारे मानव कल्याण केंद्र नवनीत हॉस्पिटल का कोई भी काम रहता है तो गोपाल भाई को फ़ोन करेंगे तो तुरंत वो काम करवा देते हैं। और हर तरह के समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जैसा सांसद है ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम गोपाल शेट्टी साहब के शुक्रगुजार है, उनके वजह से एक अच्छा मार्केट यहाँ तय हो गया है। हेलो, जे काम गोपाल शेट्टी ने मारवे जेठीवर चालू केलेलं आहे ते सगळ्यात बघायला गेलं तर चांगलं काम चालू केलेलं आहे। कशाला तर मनोरीवाल्यांना आणि मालवणीवाल्यांना रेतीतून जाताना एवढा त्रास होत होता की पायाचे गुटके आहेत ते दुखायला लागत होते। डोक्यावर वजं मासलीचं एक 40 किलोचं 50 किलोचं डोक्यावरून घेऊन जायचं त्या रोडपर्यंत आणि त्या रेतीतून बायका चालायच्या, अक्षरशः त्यांचे डोफे दुखायला लागले आणि डोफ्याला पट्टे लावले बायकांनी। पण असं काम केव्हा कोणी चालू नव्हतं केलं, हे काम गोपाल शेट्टीने केलं। सुरक्षा बीमा योजना। बुजुर्गों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप। उत्तर मुंबई के पोईसर जिमखाना और वीर सावरकर उद्यान जैसी अनेकों जगहों पर बुजुर्गों के बैठने के लिए अलग से बेंचेस का निर्माण। इसके अलावा बुजुर्गों के लिए समय समय पर कार्यक्रमों और सेमिनारों का आयोजन करना। गोपाल शेट्टी जी ने हर आयु और हर वर्ग के व्यक्तियों का खास ध्यान रखा है और उनका जीवन खुशहाल रहे इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न भी किए हैं। गोपाल शेट्टी जी ने लोकसभा में भी विविध क्षेत्रों के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से अपनी राय रखी है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। सरकार आने के बाद में 2015 में एक जस्टिस BN श्री कृष्ण की समिति की स्थापना की और उन्होंने 2017 में इसकी रिपोर्ट दी और आज फिर एक बार एक साल के अंदर सरकार ने साले बिल को
जो उनके सुझाव थे उसको एक्सेप्ट करते हुए बिल के माध्यम से पार्लियामेंट में उन्होंने इस बिल को लाया है। सबके चहेते गोपाल शेट्टी जी एक अनुशासित जीवन जीते हैं। देश के प्रति सच्ची सेवा का भाव ही उन्हें हर एक जनमानस के करीब लाया है। गोपाल शेट्टी जी के करीब जाकर अगर उनके मन को टटोला जाए तो उसमें यही भाव मिलेगा कि मेरा उत्तर मुंबई सुंदर रहे, सुशिक्षित बने, सुसंस्कृत बने, सुदृढ़ बने और स्वस्थ रहे। गोपाल शेट्टी जी की यही कोशिश है कि ईश्वर के दिए इस अनमोल जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते हुए वे हर किसी को कुछ देते चलें, हर किसी के लिए अच्छा करते चलें, ताकि हमारा क्षेत्र, हमारा देश और भी उमंगों से भरा हो, ऊर्जावान हो, क्षमतावान हो।